हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम लोग टेस्ट नंबर फोर कवर करेंगे जो कि जैव विविधता से संबंधित है ठीक है पर्यावरण अध्ययन का और इससे पहले हमने तीन टेस्ट डाल दिए हैं प्लीज़ उनको देख लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं तो और काफ़ी आप लोग इस पर रिस्पॉन्स भी अच्छा कर रहे हो पसंद आ रहे हैं आपको सारे ही क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन है जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं करेक्ट जो आंसर है वो है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा यानी कि एक तरीके से उसकी डेफिनेशन दे रखी है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के यानी कि बायोडायवर्सिटी के रूप में जाना जाता है पर्यावरण में जातियों जातियाँ कई समुदायों में संगठित रहती हैं एवं ये समुदाय एक परितंत्र में पाए जाते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड था या शब्द था इसका यूज सबसे पहले किसने किया था तो बहुत ही इजी है वाल्टर जी रोसेन ने आंसर है सी प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द यानी कि बायोडायवर्सिटी के रूप में प्रथम रेमंड एस दास दासमैन ने दिया था बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित करके बायोडायवर्सिटी के रूप में सबसे पहले डब्ल्यू जी रोसेन ने यूज़ किया था ओके नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसके द्वारा किया गया था तो सबसे पहले इसका यूज अभी जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में ऊपर बताया था रेमंड एफ ने किया था आंसर ए हो जाएगा प्रश्न की व्याख्या पढ़ सकते हैं नेक्स्ट है जैव विविधता मुख्यतः कितने प्रकार की होती है तो जैव विविधता जो होती है वो होती है तीन प्रकार की आंसर है सी जैव विविधता तीन प्रकार की होती है पहली जो इसमें दे रखी है वो है आनुवंशिक विविधता जो कि प्रजातियों में पाई जाने वाली आनुवंशिक विभिन्नता को आनुवंशिक विविधता के नाम से जाना जाता है ठीक है नेक्स्ट है प्रजातीय विविधता इसमें क्या होता है किसी भी परितंत्र की किसी भी पारितंत्र की प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नता को प्रजातीय विविधता के नाम से जाना जाता है पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रजातिगत विविधता कीट यानी के आर्थोपोडो आर्थोपोडा समूह में पाई जाती है ठीक है नेक्स्ट है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं व वनस्पतियों के बीच में जो विविधता पाई जाती है वह सामुदायिक या पारितं पारितंत्र विविधता कहलाती है नेक्स्ट है जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या फिर आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है ठीक है तो वो है अल्फा सूचकांक आंसर ए है कई बार पूछा हुआ प्रश्न है इंपॉर्टेंट है जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या फिर आवासीय क्षेत्र में माध्य प्र माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है यह अवधारणा आर एच आर एच वी टेकर द्वारा प्रस्तुत की गई थी इंपॉर्टेंट नाम है याद रखिएगा बीटा सूचकांक स्थानीय अब देखिए अल्फा सूचकांक के बारे में पढ़ लिया है बीटा सूचकांक के बारे में क्वेश्चन नहीं दिया लेकिन यहाँ से एक्सप्लेनेशन बता दिया गया सब कुछ तो इसके अलावा से प्रश्न नहीं आएगा ध्यान से इसको यहीं पढ़ लीजिए बीटा सूचकांक एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है जबकि गामा सूचकांक किसी भू दृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है आपको तीनों ही सूचकांकों के बारे में पता चल गया है अल्फा बीटा और गामा नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसी भू दृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है तो वो है गामा सूचकांक आंसर है सी जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन आंसर हो जाएगा डी जैव जा विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है जैव विविधता आनुवंशिक जाति समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैवविधता के ह्राष जैविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है तो वो है प्राकृतिक वास का विनाश आंसर हो जाएगा सी Uh, विविधता का सर्वाधिक ह्रास जो होता है वह प्राकृतिक आवासों का विनाश करने से होता है अतः सॉरी uh, अन्य प्रमुख कारण जो हैं वो यहाँ दिए गए हैं जैसे कि विदेशी प्रजातियों का प्रवेश उसके अलावा वैश्विक तापन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रीज़न नेक्स्ट है uh, ये पर्यावरण प्रदूषण झूम कृषि भी है इसमें और वनों का नाश भी एक बहुत ज़्यादा uh, महत्वपूर्ण कारण है इसके अलावा अवैध शिकार व तस्करी ये भी एक रीजन है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा भूमि शरण तट भूमि शरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक के लिए तो 2030 तक का है आंसर है बी मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 12 दिवसीय चौदहवा कॉप कॉप 14 जो है वह Uh, सम्मेलन नई दिल्ली में तेरह सितंबर 2019 को संपन्न हुआ सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2030 तक भूमि शरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है uh, ये स्थित है जामनगर में आंसर है बी ओके okay. भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी गुजरात के जामनगर में स्थित है इस केंद्र का उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सु, आ, सुरक्षा करना है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आई थिंक इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हॉटस्पॉट और मेगा डाइवर्सिटी दोनों ही बोला जाता है आंसर सी हो जाएगा अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र को हॉटस्पॉट या फिर मेगा डाइवर्सिटी भी कहते हैं डाइवर्सिटी क्षेत्र भी कहते हैं विश्व के सिक्सटी परसेंट उभयचर पक्षी व जानवर इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू इंडिया तो वो अभी इसमें देखते हैं यहाँ आएगा आपका अत्यधिक जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था सबसे पैसे सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था नॉर्मन मायर्स ने, ठीक है? अत्यधिक जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने अट्ठासी में किया था आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका डी नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है तो सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय में आंसर हो जाएगा ए ओके okay? सर्वाधिक जैव विविधता उष्गठबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं क्यों पाई जाती हैं वहां अनुकूलतम दशाएं क्योंकि वहां वर्ष भर उच्च वर्षा और तापमान भी वहां पर रहता है इसी कारण वह उन्हें अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं तो सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में जो कार्य करते हैं ऑप्शन uh, पहले मैं दे, uh, बता देती हूँ टुंड्रा में शंकुधारी वनों में या फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में करेक्ट आंसर यहाँ पर भी सी होगा डी ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि सी आंसर वहाँ पर तीनों में से ही था उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं कार्बन सिंक एक प्रणाली है जो कार्बन को वातावरण से बाहर ले जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की कुल प्रजातियों का चार बटे पांचवा भाग कहां पाया जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में आंसर ए हो जाएगा पृथ्वी का केवल छह प्रतिशत भाग उष्णकटबंधीय वर्षा वनों से ढका है परंतु विश्व की कुल प्रजातियों का चार बटे पांचवा भाग जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है नेक्स्ट है जैव विविधता में परिवर्तन होता है जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है या फिर भूमध्य रेखा की तरफ घटती है या फिर पृथ्वी पर एक समान रहती है या फिर ध्रुवों की तरफ बढ़ती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है जैव विविधता ऊपर की अगर दो एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे तरीके

घाटी में आंसर ए हो जाएगा केरल स्थित शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है यह है केरल के पलक्कड़ जिले में विस्तृत है नेक्स्ट है वर्तमान में विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं तो वर्तमान में विश्व में पूछे गए हैं टोटल तो थर्टी सिक्स है आंसर हो जाएगा बी ओके हाँ जी कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित प्रखर स्थलों यानी कि हॉटस्पॉट्स की, की अद्यतन सूची जारी की गई है जिसमें विश्व के 36 स्थल सूचीबद्ध किए गए हैं नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी कि हॉटस्पॉट हैं भारत में कौन से कौन से हैं ठीक है पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट या फिर पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन या फिर पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी हिमालय व शांत घाटी करेक्ट आंसर जो है वो है सी यानी कि सॉरी पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट मेगा डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के हॉटस्पॉट भारत में भी है जो इस प्रकार है हिमालय क्षेत्र में पूर्वी हिमालय है इंडो वर्मा क्षेत्र में भारत के उत्तर पूर्वी व ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी भाग में है इसके अलावा पश्चिमी घाट की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र हो जाएगा और सुड की बात करते हैं तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र यानी कि हॉटस्पॉट निम्न में से कौन सा है करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त तो प्रश्न की व्याख्या देख सकते हैं जैव विविधता वे के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है तो वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर उसके लिए भी आपको उन्नीसवें प्रश्न की व्याख्या यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जैव विविधता वे की दृष्टि से भारत को कितने जैव भौलिक क्षेत्रों में बांटा गया है ओके तो ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं सात नौ सॉरी सात आठ नौ या फिर दस करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी क्योंकि दस क्षेत्रों में बांटा गया है देख लेते हैं एक बार इसको जैव विविधता की दृष्टि से भारत को दस जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है ट्रांस हिमालय हिमालय मरुस्थल पश्चिमी घाट दक्कन प्रादीपीय पठार इसके अलावा अर्ध शुष्क क्षेत्र गंगा का मैदान तटीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र या और नेक्स्ट है द्वीपीय द्वीप दुईप समूह उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है तो जो संवेदनशील स्थान माना जाता है वह पश्चिमी घाट है आंसर हो जाएगा डी भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील उष्ण स्थल या फिर तप्त स्थलों की संख्या चार है अभी आप पढ़ चुके थे ऊपर कौन सी कौन सी है पूर्वी हिमालय इंडो वर्मा स्विडालैंड और पश्चिमी घाट जिसमें से संवेदनशील माना गया है पश्चिमी घाट को नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो नहीं हो सकते हैं सॉरी संकट नहीं हो सकते हैं वैश्विक तापन हो सकता है कि नहीं हो सकता फटाफट फड़ से बता दीजिए तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है ये तो होगा ही होगा ठीक है तो इसको तो, 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 तो काटी दो अभी यहाँ से आवास का विखंडन उसके अलावा यानी कि जो प्राकृतिक आवास है उनका जो निवास स्थान करने का है उसका अगर आप विखंडन करेंगे उसका विनाश करेंगे तो क्या वह जैव विविधता को नष्ट करने के करने का रीज़न होगा या फिर नहीं होगा डेफिनेटली होगा तो यहाँ पर इसको भी आप काट दीजिए विदेशी जाति का संक्रमण ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था कि विदेशी जाकर जाति के आगमन से या फिर उनके संक्रमण से भी हमारी जैव विविधता नष्ट होने का या फिर उस पर संकट होने का संभावना रहती है संकट होने की ठीक है तो ये भी आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ यही बचेगा शाकाहार को

उत्तरदायी नहीं है पूछा गया है ठीक है तो ऑप्शंस दे रखे हैं पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता मध्य व्यवधान पारिस्थितिकी तंत्र की आयु या फिर पोषण स्तरों की कमी करेक्ट आंसर क्या है पोषण स्तरों की कम संख्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी पोषण स्तरों की कमी से एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है जबकि जैव विविधता में कमी आती है वहीं जैव विविधता की बढ़ोतरी में पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उसकी आयु तथा मध्य व्यवधान सहायक होते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण सन, के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है तो वो है जैव मंडल रिजर्व करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है जब जीव एवं वनस्पतियों को उनके वास क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है तो उसे इन सीटू या फिर यहाँ पर स्वस्थानी का कहा जाता है स्वस्थानी संरक्षण कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान वन्य अभ्यारण्य और पवित्र उपवन और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आदि स्वस्थानी संरक्षण के अंतर्गत आते हैं दिख रहे ना आपको ये एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे इनमें से कौन सा स्वस्थानी का है कौन सा नहीं है इस तरीके से तो ये तो डेफिनेटली याद रखना ही ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थाने पद्धति का नहीं है आ गया देखिए नीचे आ गया क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको बताया था कि इनको पढ़ना है करेक्ट आंसर वनस्पति को उद्यान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जब जीव वनस्पतियों को उनके वास्य क्षेत्र से हटाकर कहीं अन्य संरक्षित किया जाता है तब इसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है इसमें जीव एवं वनस्पतियों को कृत्रिम वातावरण उपलब्ध करवा करके उनका संरक्षण किया जाता है फॉर एग्जाम्पल जीन बैंक होते हैं उनमें उसके अलावा बीज बैंक भी होते हैं और वानस्पतिक उद्यान होते हैं जंतु उद्यान होते हैं निम्न तापिया संरक्षण होता है ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है ऑप्शन दिखा दूँ। एक ही ऑप्शन दिखाया है आपको इन सीटू संरक्षण द्वारा या फिर एक्सिटू संरक्षण यानी कि बाहर स्थानीय द्वारा या फिर जीन पुल द्वारा या फिर इनमें से कोई भी नहीं करेक्ट आंसर ए है इसीलिए मैं इसी पे आपको रोक रखा था मैंने थोड़ी देर तक ताकि आप पता लगा लें राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव संरक्षणों सॉरी वन्यजीव विहारणयों में इन सीटू संरक्षण द्वारा आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी वानस्पतिक बाग जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्ववासन संरक्षण कहलाता है जबकि जीन बैंक ऊतक संवर्धन संवर्धन केंद्र वनस्पतिक उद्यान चिड़ियाघर एक्वेरियम आदि बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी कि एक्ससी टू में आते हैं निम्नाकित तो में से क्रायो बैंक एक्ससी टू संरक्षण के लिए कौन सी सा, गैस सामान्यतः प्रयोग होती है मतलब इतना डीप भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है कि वो वहाँ पर संरक्षण हेतु क्या यूज करते हैं कौन सी गैस का यूज करते हैं तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर वो है नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर एक्सी संरक्षण के तहत तो जीव शुक्र जीवित शुक्राणुओं अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है नेक्स्ट है जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है तो करेक्ट आंसर जो है वो है जीव मंडल निचय यानी कि रिजर्व ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जैव विविधता के संरक्षण सॉरी जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने में निहित है एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है इनमें से कौन क्या है वो वो क्वेश्चन ये पूछा गया है तो जो करेक्ट आंसर है वो है आनुवंशिक विनता के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी जीवमंडल मंडल तो आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक भिन्नता से संबंधित है इसमें या फिर इनमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान प्रदान किया जाता है बहुत ही इजी सा था ये निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है तो प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक जो है वो है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि पढ़ा चुकी हूँ पहले अभी पढ़ाया अभी आई थिंक दो तीन दिन पहले मैंने ये चीज बताई है तो याद होगी वो जिनको तो उन्होंने सही कर लिया होगा जिनको नहीं याद होगी उन्होंने गलत किया होगा प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान में अम्लता में वृद्धि वैश्विक सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में किन में प्रवाल भित्तियां नहीं है जिनमें प्रवाल भित्तियां नहीं है वो है सुंदरबन आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी क्योंकि भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ती वाले चार प्रमुख क्षेत्र हैं अब वो चार प्रमुख है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इसके अलावा कक्ष की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप ये चारों हैं तो यहाँ पर सुंदरबन तो कहीं पर शामिल नहीं

ऑफ नेचर द्वारा किया जाता है इसकी स्थापना हुई थी 1964 में पूछा जाता है इसके तहत उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा हो और ये आ, क्या बोलते हैं लिस्ट जारी करता है और एक लिस्ट से पहले एक चीज बता देती हूँ ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ऐसे एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा शायद ये मैचिंग करने के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन नेक्स्ट है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है मैंने क्या बोला था लिस्ट जारी करता है कौन आई अब वो यहाँ पर वो लिस्टों के बारे में बात हो रही है। जैसे इसने पूछा ना कि जो विलुप्त वाली होती हैं उनको कौन सी सूची में जाता जारी किया जाता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर, आंसर यहाँ पर रेड डाटा बुक आंसर है भी काफी ज्यादा चर्चित रहती है करंट अफेयर्स में भी आई होप सभी को पता होगा विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डाटा बुक में होती है जैव विविधता का द्वार कहा जाता है जैव विविधता का द्वार किसको कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत को आंसर है ई पूर्वोत्तर भारत को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है नेक्स्ट है निम्नलिखित तो भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है समझ रहे हैं आप बहुत ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी नहीं है ने तो आप सबसे समझे सब पे संकट आता हुआ कभी ना कभी तो संकट की स्थिति में आप भी आते होंगे हैं हम भी आते हैं बट चलिए कोई बात नहीं अब यहाँ प्रजातियों की बात हो रही है तो क्या पक्षियों की बात हो रही है प्रजातियों की तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आंसर है भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारतीय पक्षियों में अत्यधिक संकटापन किस्म है ठीक है ये ना फिर से यहाँ पे वो हो गया है टाइप गलती से किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड किया हुआ है कि अगर इतने ड्यूरेशन तक कोई भी प्रजाति अपने स्थान पर या फिर अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाएगी तो उसको क्या कर दिया जाएगा विलुप्त करार दिया जाएगा या फिर उस लिस्ट में जारी कर दिया जाएगा अब वो पर्टिकुलर टाइम क्या है यहाँ पर उसके ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको करेक्ट आंसर बताना है यहाँ मैं आपको चार ऑप्शन दिखाना चाहूँगी जैसे पंद्रह वर्ष से नहीं देखी गई है या फिर बीस वर्ष सॉरी पच्चीस वर्ष से या फिर चालीस वर्ष से या फिर बड़ी ही सावधानी से ये आंसर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगी होपफुली आप सभी को पता होगा लेकिन मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ आप सही बताएंगे यानी खैर बताएंगे तो नहीं आप मेरे को पचास वर्ष से तो जिन्होंने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा कि मैम चारों ऑप्शन दिखा रही हैं इट मीन्स ऑप्शन चौथा ही होगा क्योंकि अगर तीनों में से होता तो मैं वहीं के वहीं बता देती राइट तो चलिए कोई नहीं करेक्ट आंसर यहाँ पर पचास वर्ष है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट प्रकृति संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि आईयूसीएन की, की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो राइट काफी ज्यादा टाइम दे दिया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ड्रग गिद्धों की समाष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है तो आ... इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे को हंसी इसलिए आ रही है मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ये चीज़ ए, हम जैसे नॉर्मल लोगों पर लागू कर दी जाए कि मतलब पचास वर्ष से अब घर में नहीं दिखे तो आपको विलुप्त करार दिया जाएगा तो पचास वर्ष को ज़्यादा ही हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा खैर चलिए ना इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिक्लोफिनिक सोडियम ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा डिक्लोफिनिक सोडियम एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए एक दर्द निवारक के रूप में आ, जो है एवं बुखार के इलाज में किया जाता है इम्पोर्टेंट है ये कई बार पूछा गया है इसको दरअसल जब डिक्लोफिनक सोडियम के उपयोग के दौरान पशु मर जाता है और उसी मरे हुए पशु का मांस गिद्ध एक बार भी खा लेता है तो तीस दिन के भीतर उसकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है इस दवा के कुप्रभाव का अंदाज़ा इससे लगाया जाता है लगाया जा सकता है कि पिछले दस वर्षों के भीतर भारत नेपाल और पाकिस्तान में 8.50 करोड़ गिद्धों की मौत हो चुकी है तो आप समझ सकते हैं कि कितने भयानक है ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही आप आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने दिए गए हैं आपका आंसर बताना है डोडो इसका आंसर हो जाएगा बी मॉरिशस में मॉरिशस में टम्बला कोक जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा जिसकी वजह से यह भी विलुप्त हो रहा है तो मतलब ये डिपेंड भी करता है एक दूसरे पर लाइक है ना क्योंकि अब प्राकृतिक है तो एक दूसरे पर डिपेंड भी करता है कि अगर वो विलुप्त है तो जो उस पर डिपेंड था तो वो भी विलुप्त हो जाएगा राइट जैसे यहाँ अभी ये ऐसे एग्जाम्पल में इसका दिया है यहाँ पर जैसे मॉरिशस में टम्बला कोक जो है जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है वो डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण है, क्योंकि डोडो पक्षी विलुप्त हो चुका है दैट्स वाई वो वृक्ष भी विलुप्त होने के कगार पर है नेक्स्ट जो है भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वलगुन या फिर फ्लाइंग फॉक्स कह सकते हैं निम्नलिखित में से क्या है सो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का चमगादड़ है ऑप्शन नंबर ए इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है जो बांग्लादेश चीन भारत मालदीव नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है आपका ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव को जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है ओके okay. तो करेक्ट आंसर है स्तनधारी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी है जो विलोपन के कगार पर है नेक्स्ट है बलुई और लवड़िया क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है उस क्षेत्र में उस क्षेत्र में उस पशु के कोई भर सॉरी सॉरी कोई परभक्षी नहीं है किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है बताइए कई बार क्वेश्चन इतने बड़े हो जाते हैं कि आ, बस खैर आंसर बताइए इसका आंसर है भारतीय वन्य गधा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कक्ष का रण भारतीय वन्य गधे का प्राकृतिक आवास है इस क्षेत्र में इसका कोई परभक्षी नहीं है किंतु आवास क्षेत्र के सीमित हो जाने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है समझ रहे हैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें दी गई हैं कि इनकी डिपेंडेंसी भी इनके ज़रूरी नहीं है कि किसी पेड़ पर ही हो किसी वृक्ष पर हो या फिर किसी दूसरी प्रजाति पर ही हो ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आवासों पर भी इनकी डिपेंडेंसी होती है और डेफिनेटली होनी भी चाहिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो प्राकृतिक आवासों की वजह से भी क्योंकि वो नष्ट हो रहे हैं उसकी वजह से भी इनकी ये इन इनका विलुप्त होना जो विलुप्त की कगार पर ही आ जाती हैं नेक्स्ट है, है निम्न राज्यों में से जिसका आंसर देख गया आपको निम्न राज्यों में से किस में सिंह पुच्छी वानर अपने आकृतिक आवास में नहीं पाया जाता है सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश सिंह पुक्षी बानर दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है यह वानर तमिलनाडु केरल एवं कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया अब बताइए कब पारित किया गया फटाफट बता दीजिए hmm. मई 2000 सन 2000 में या फिर जनवरी सन 2004 में या फिर दिसंबर 2002 या फिर अक्टूबर 2008 थाउजेंड अब अक्टूबर को इतना रिस्पेक्ट क्यों मिला कि उसको मैंने इंग्लिश में बोल दिया है अक्टूबर 2008 आपको भी हिंदी में बोला जाएगा आप स्पेशल नहीं हैं चलिए करेक्ट आंसर फटाफट से बता दीजिए मेरे को क्या है एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ें क्या क्वेश्चन था मैं भूल गई भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था हाँ क्वेश्चन ई ये है ठीक है अभी देख लेते हैं वापस से तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिसंबर 2002 में आंसर बी सॉरी सी हो जाएगा जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में पारित 11 दिसंबर 2002 को हुआ था एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ली जाती है तो किया गया था इसका उद्देश्य था जैविक संसाधनों का संरक्षण व इनके धारणीय उपयोग का प्रबंधन ठीक है